जी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट में जब डिस्कस किया था तो देयर आई डिस्कस्ड टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स. वन वाज अबाउट कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट एंड अदर वाज अबाउट ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट. वी रेड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट, यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच. यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो वट एवर वी कंज्यूम, वी कैन क्वांटिफाई दैट हाउ मच यूटिलिटी वी हैव एक्सट्रैक्टेड आफ्टर कंज्यूमिंग द यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. हाउएवर, इन ऑर्डिनल्स व्यू, यूटिलिटी इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच. We cannot calculate utility in terms of numbers, say 1, 2, 3, 4, 5, and so on. But since it is a qualitative approach, so we can rank utility in terms of ordinal numbers. And ordinal numbers are first, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on. So if a product gives us more satisfaction, we will be ranking that product at the top. Say we will nominate that product as first number in terms of ranking. Then, if a product gives us less satisfaction to product one, which is at the top, then we will rank that product at second number, and so on. तो आसान वर्ड्स में, इफ अ प्रोडक्ट गिव्स अस मोर सेटिस्फेक्शन तो वो रैंकिंग में सबसे टॉप पर जाएगी. इफ अ प्रोडक्ट गिव्स अस लेस सेटिस्फेक्शन रैंकिंग में, अकॉर्डिंगली वो फिर वैसे ही नीचे आती जाएगी. और जिस प्रोडक्ट पर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे कम मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी रैंक्ड एट द बॉटम इन इन योर रैंकिंग. तो बेसिकली ऑर्डिनल व्यू जो है वो ये कहता है कि यूटिलिटी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, रादर वी कैन रैंक यूटिलिटीज एज पर देयर सेटिस्फेक्शन लेवल. तो अच्छा, अब सेटिस्फेक्शन लेवल भी बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेगा, दैट हाउ मच यूटिलिटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड आफ्टर कंज्यूमिंग वन प्रोडक्ट इज डिफरेंट एज पर कंज्यूमर नंबर वन एंड कंज्यूमर नंबर टू. सो इफ टू कंज्यूमर्स आर लुकिंग एट वन प्रोडक्ट, बट दे विल बी डेफिनेटली एक्सट्रैक्टिंग डिफरेंट यूटिलिटी लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग द सेम प्रोडक्ट. वन कंज्यूमर हैज हिज ऑन प्रेफरेंसेस और डिसप्रेफरेंसेस, द अदर कंज्यूमर हैज हिज ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. तो मे बी इफ अ पर्सन इज liking a product the most, the other is maybe disliking the same product the most. So it depends and it varies from person to person. So basically, when a consumer goes into the market, he looks at the product with a different utility level according to his experience or according to his exposure. तो एक कंज्यूमर का एक प्रोडक्ट के बारे में अगर व्यू है कि इसमें मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है, ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे कंज्यूमर का भी सिमिलर ओपिनियन हो कि इस प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लिहाजा मैं इस प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट्स बाय करूंगा. सो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करती है बात. अच्छा, अब एक्चुअली ऑर्डिनल्स जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट पे कि आप जो ये कहते हैं कि यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स कैलकुलेट हो सकती है, तो ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती बात. एक्चुअली किसी भी कंज्यूमर के पास किसी सूरत में भी कोई कैलकुलेटिंग रॉड पॉकेट में नहीं पड़ा होता जिसके जरिए वो इसको टच करके साथ अटैच करके ये चेक कर सके कि एक ग्लास पानी का पीने से इतनी प्यास या थर्स्ट रिमूव हो गई है, एक ऑर्डिनल व्यू पर लेक्चर अटेंड करने से इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, या एक छक्का मारने से इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई है. सो ये चीजें कभी भी कार्डिनल नंबर्स में कैलकुलेट पॉसिबल नहीं है, हो सकती हैं. शाहिद अफरीदी से अगर पूछा जाए कि यार आपने 10 मैचेस खेले हैं,
10 में से बताएं किस मैच में आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तो वो नंबर्स में नहीं बता सकता कि यार मैंने किस मैच में कितना एंजॉय किया। हाँ वो ये कह सकता है 10 मैचेस में से यार जो मैच नंबर 7 था ना इस पर मुझे बहुत मजा आया, बाकी मैच नंबर 8 पे मुझे उससे कम मजा आया, एंड सो ऑन। सो वो इस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस की रैंकिंग को एडजस्ट करेगा। वो ये नहीं कर सकता कि वो ये बता दे कि यार ये मैच में मुझे इतना मजा आया है और ये उसने अपना मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल डिटरमिन किया हुआ। सो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी बात को हर कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। जी मिस राबिया, खैरियत है? सही है, आप LMS पे अपलोड करेंगे? क्या क्या अपलोड करना है? ये लेक्चर मैं आपको ईमेल कर दूंगा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है, हो सकता है मैं अपलोड भी कर दूं तो, लेकिन मैं पहले आपको ईमेल कर दूंगा, डॉक्यूमेंट आप तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उसको रैंक किया जा सकता है लेकिन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हम ये तो बता सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से उससे सेटिस्फेक्शन लेवल रिलेटिवली मुझे ज्यादा मिला या कम मिला। ठीक है, कंपेयर करके बताया जा सकता है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है या पिछले के मुकाबले में कम है। ये नहीं बताया जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता कि यार पहली रोटी खाने से इतनी भूख मिट गई है, बाकी दूसरी रोटी पे पहले से कम भूख मिटी है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट कैसे होगा? तो बेसिकली जो सेंसेस हैं ये क्वालिटेटिव चीजें हैं, इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम डमी नंबर्स इनके अगेंस्ट असाइन करके क्लोज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो भी अगेन हमारी सोच के मुताबिक हमने वो डमी या फिक्टिशियस नंबर्स असाइन किए होते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में कोई बंदा माँ की जो ममता है या माँ का जो माँ की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए उसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। हम ये जरूर कह सकते हैं कि 3 भाइयों में से माँ सबसे ज्यादा प्यार जो है वो सबसे छोटे बेटे से करती है, उसके बाद जो प्यार करती है वो सबसे बड़े बेटे से करती है, और दूसरे नंबर वाले बेटे पे सबसे कम करती है। इस तरह की रैंकिंग जरूर हो सकती है। ठीक है, अब ये रैंकिंग जरूरी नहीं है जो आपने की है वही हकीकत हो। माँ से पूछा जाए, माँ कहे जी मेरे तीनों बच्चे, मैं तीनों से बराबर प्यार करती हूँ, किसी ना किसी की तरफ माँ की इंक्लिनेशन में भी ज्यादा हो, शायद सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है वो लाड में माँ के करीब हो, बाकी माँ की रैंकिंग अपनी होगी, बच्चों की रैंकिंग अपनी होगी, और एक भाई की रैंकिंग दूसरे भाई की रैंकिंग की नस्बत डिफरेंट होगी, दूसरा भाई हो उसमें भी डिफरेंट ओपिनियन में सोचता हो, उसकी अपनी रैंकिंग हो, तो ये क्वालिटेटिव फिनोमेनन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो रियलिटी में हम जैसे देखते हैं एक चिकन की बाइट लेने से आप बता सकते हैं कितना टेस्ट लेवल आपने एंजॉय किया, ये पॉसिबल रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। सो हम ये जरूर कह सकते हैं मैकडोनल्ड्स के बर्गर को KFC के बर्गर के साथ कंपेयर करके कि KFC का बर्गर रिलेटिवली अच्छा है या मैकडोनल्ड्स का अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि यार KFC पे इतना टेस्ट लेवल डेवलप हुआ था तो मैकडोनल्ड्स में इतना, कंपेयर करके बता सकते हैं कि यार वहां ज्यादा हुआ था यहाँ कम हुआ, यहाँ ज्यादा हुआ या वहां कम था। सो ये कंपेरिजन पॉसिबल है, लेकिन नंबर्स असाइन करके वैल्यू के साथ कंपेयर करना इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स है ये सब। अच्छा जी, अब इसके बाद ये आईडी, ये पहले तो यूटिलिटी का हमने पढ़ा इसी थॉट के अंदर ऑर्डिनल्स के मुताबिक कि यूटिलिटी बेसिकली क्वालिटेटिव फैक्टर है। अच्छा, अब टॉपिक एक्चुअली है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। लास्ट क्लास तक जितना टॉपिक हमने पढ़ा वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक था, लेकिन वो किस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक था? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। तो अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, या ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट। तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप वहां अचीव करेंगे जहां आप अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजायर्स आप अचीव करेंगे आउट ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी जिसमें उसने ये कहा था
हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, सो वी हैव टू यूटिलाइज द अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे टू अचीव मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजायर्स आउट ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स। सिंस वी हैव एन अल्टरनेट यूजेस ऑफ आवर रिसोर्सेज, तो हमने बेस्ट यानी बेस्ट वे में एलोकेट करने हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, ताकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को स्टॉप किया जा सके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक्सट्रैक्ट की जा सके। सो यहाँ पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के परस्पेक्टिव में भी ऐसे ही है कि हमने अपनी जो डिजायर्स हैं, जो अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स सेटिस्फाइड या फुलफिल करनी है या अचीव करनी है बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलरली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर, जो कि ऑर्डिनल व्यू के मुताबिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो टूल्स हैं। एक टूल का नाम है इंडिफरेंस कर्व और दूसरे का नाम है बजट लाइन। पहला टूल है इंडिफरेंस कर्व, दूसरा टूल है बजट लाइन। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली, जैसा कि इंडिफरेंस कर्व, कर्व तो जाहिर बात है कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई कर्व की फॉर्म में कोई शेप होगी। अच्छा, इंडिफरेंस, ये जो मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ये जो इंडिफरेंस का वर्ड है ना, इंडिफरेंस, ये टर्म इंडिफरेंट से निकली है। इंडिफरेंस कैसे वर्ड ड्राइव हुआ है? इनडिफरेंट से। इनडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, समबडी हु रिमेन्स न्यूट्रल और अनबाइस्ड, यानी उसका बैलेंस्ड व्यू। ठीक है, तो कंज्यूमर ने जब मार्केट से बाइंग करनी है तो उसे न्यूट्रल रह के बाइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व बेसिकली कंज्यूमर की चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंज्यूमर की चॉइसेस किसके बारे में होंगी? डेफिनेटली गुड्स के बारे में होंगी, जिनको वो बाय कर रहा है। तो कंज्यूमर जिन गुड्स को बाय करेगा उनके बारे में वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर एक्सप्लेन करेगा, प्रेफरेंसेस और डिसप्रेफरेंसेस का इजहार जरूर करेगा, लेकिन कंज्यूमर अनबाइस्ड रहेगा, बाइस्ड नहीं होगा। यानी फर्ज कर लेते हैं कंज्यूमर ने मार्केट से एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, तो कंज्यूमर इनडिफरेंट का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, या अनबाइस्ड का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर के पास फर्ज करें 50,000 रुपए हैं, तो वो 50,000 से सारे के सारे एक्स नहीं परचेज करेगा, या 50,000 रुपयों से कंज्यूमर सारे के सारे वाई परचेज नहीं करेगा। तो इनडिफरेंट का मतलब ये है कि कंज्यूमर न्यूट्रली बाय करेगा एक्स और वाई को। यानी न्यूट्रली बाय करने का मतलब, हाँ मैंने कहा था लाइकिंग डिसलाइकिंग को जरूर इजहार उसका करेगा। कंज्यूमर अगर एक्स और वाई में से किसी एक को लाइक करता है, किसी एक को प्रेफर करता है, फर्ज करें कंज्यूमर एक्स को प्रेफर करता है, तो कंज्यूमर एक्स के ज्यादा यूनिट्स बाय करेगा। वाई को डिसप्रेफर या डिसलाइक करता है, तो चूंकि वो अनबाइस्ड है तो वो ये करेगा कि एक्स वाई एक्स के ज्यादा यूनिट्स और वाई के कम यूनिट्स परचेज करे। अगर वो बाइस्ड होता तो फिर वो सारी इनकम से एक्स ही परचेज करता, वाई का एक यूनिट भी परचेज ना करता। चूंकि कंज्यूमर अनबाइस्ड है, लिहाजा कंज्यूमर एक्स के ज्यादा यूनिट्स बाय करेगा और वाई के कम यूनिट्स बाय करेगा। चूंकि कंज्यूमर न्यूट्रल है, इसलिए कंज्यूमर ने सारे के सारे पैसों से एक्स नहीं परचेज किए और सारे के सारे पैसे से वाई का कम से कम कुछ ना कुछ यूनिट जरूर उसने परचेज किए हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर वाई को डिसलाइक कर रहा है, इसलिए उसने वाई के कम यूनिट्स परचेज किए हैं। चूंकि कंज्यूमर वाई को डिसप्रेफर कर रहा है, इसलिए वाई के कम यूनिट्स बाय करना चाहता है। सो इनडिफरेंट का मतलब ये है कि कंज्यूमर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का हरगज मतलब ये नहीं है कि 50% एक्स के यूनिट्स परचेज करें, 50% वाई के परचेज करें। कंज्यूमर चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर के पास ये चॉइस जरूर है कि कंज्यूमर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का इजहार जरूर कर सकता है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन कंज्यूमर पे है कि कंज्यूमर किसी सूरत में भी किसी एक प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स परचेज कर ले। ये रिस्ट्रिक्शन है कि कंज्यूमर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन
कंज्यूमर ये कर सकता है कि जिसको वो पसंद करता है उसके ज्यादा यूनिट्स बाय कर ले, जिसको वो कम पसंद करता है उसकी कम यूनिट्स बाय करे, ठीक है। लेकिन ये नहीं वो कर सकता कि सारे के सारे एक्स खरीद ले या सारे के सारे वाई परचेज कर ले। सो इट इज नॉट अलाउड टू कंज्यूमर। तो फर्स्ट टूल जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और इंडिफरेंस कर्व विद इन ब्रैकेट अगर आप पढ़ें, द फर्स्ट टूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल्स व्यू, तो ये पहला टूल है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं जी। दिस आइडिया स्टार्टेड इन 1881। इंडिफरेंस कर्व का आइडिया 1881 में स्टार्ट हुआ, जिसको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस करवाया और इसको इंडिफरेंस कर्व कहा गया। नाम 1881 में इसको नॉमिनेट किया गया। ये बेसिकली क्या है? फर्स्ट रूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद इस इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट में कुछ मिसिंग लिंक्स थे, जिसको एड्रेस किया इटालियन इकोनॉमिस्ट प्रेटो ने। लेकिन फिर फाइनली जो फाइनल फिनिशिंग टचेस दिए गए वो जे आर हिक्स और आर जे डी एलन की तरफ से 1930 के अंदर दिए गए, और उसके बाद ये इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड कर रहा है। सबसे पहली अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस कुछ यूं है, और उनमें पहली अजम्पशन है जी कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर से क्या अंडरस्टैंडिंग है? कंज्यूमर बेसिकली वाइज है, अकलमंद है, बेवकूफ नहीं है। जब कंज्यूमर डिसीजन करेगा तो डिसीजन करने से पहले कंज्यूमर जरूर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेगा। कंज्यूमर विदाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के डिसीजंस नहीं कर सकता। कंज्यूमर इरेशनली फैसले नहीं करेगा, यानी कंज्यूमर को पता है उसकी इनकम कितनी है, एक्स प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वाई प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। कंज्यूमर को पता है मार्केट में एक्स किस किस दुकानदार के पास पड़ा है, वाई किस किस दुकानदार के पास पड़ा है। तो कंज्यूमर कभी भी इरेशनल डिसीजंस नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ज्यादा पैसे दे के थोड़ी चीजें नहीं खरीदेगा। सो कंज्यूमर कभी भी इरेशनली एक्ट नहीं करेगा। कंज्यूमर इज फुली अवेयर अबाउट द मार्केट सिचुएशन। कंज्यूमर इज फुली अवेयर अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो कंज्यूमर किसी सूरत में क्या कहना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होगा मार्केट एनवायरनमेंट से। ठीक हो गई बात। फिर दूसरी अजम्पशन है जी यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। अच्छा, यूटिलिटी दो गुड्स को कंज्यूम करने से मिलेगी हमें, और इसको हमने फंक्शनल फॉर्म में किसमें लिखा है जी, ये इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। ये क्या है जी? फंक्शनल फॉर्म। किसकी फंक्शनल फॉर्म है जी? यूटिलिटी फंक्शन की। इसको यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? इसको यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन और फंक्शनल फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ये एक ही बात है। यूटिलिटी फंक्शन और फंक्शनल फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। तो इसका क्या मतलब है जी? यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। दिस मींस दैट आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स, कंज्यूमर विल एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी यू एक्स, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग वाई, कंज्यूमर विल एक्सट्रैक्ट यूटिलिटी यू वाई। सो टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल होगी जी? यू एक्स प्लस यू वाई। ठीक होगी बात। तो कंज्यूमर को जो टोटल यूटिलिटी मिलनी है, यहां मेंशन कर देते हैं एक्स और वाई दोनों को कंज्यूम करके, वो इन दोनों को ऐड करने से मिलनी है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गई बात। ये है जी आपके पास फाइनल आंसर इसका। अच्छा जी, अब इसके बाद है जी तीसरी अजम्पशन, रैंकिंग ऑफ द यूटिलिटी। ये मैं आगे ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंज्यूमर जिस चीज को प्रेफर करेगा उसको रैंकिंग में ऊपर ले जाएगा, और जिसको डिसप्रेफर करेगा वो रैंकिंग में नीचे आ जाएगी। तो कंज्यूमर जिन चॉइसेस को पसंद करता है उसकी रैंकिंग कर लेता है अकॉर्डिंगली। जैसा कि आपने फास्ट फूड सेंटर्स विजिट किए, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसके अलावा AFC, फिर फ्राई चिक्स, फिर हार्डीज
और मल्टीपल सबवे वगैरह, इन सब के जिंगर्स आपने ट्राई किए और अकॉर्डिंगली आपने रैंक कर दिया कि आपके मुताबिक इन सब जिंगर्स में से किसका टेस्ट लेवल सबसे अच्छा है, आपने रैंकिंग में सबसे टॉप पे अरेंजमेंट कर ली। फिर दूसरी, चलें बाय द वे एक एक्टिविटी आपसे शेयर करता हूँ कि ये पांच नाम आपके सामने हैं, फ्राई चिक्स, मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज, सबवे, केएफसी, इनको आप रैंक करें टेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो मुझे बताएं कि कौन सा टेस्ट रैंकिंग में आपके मुताबिक ऊपर है। जल्दी क्विकली रैंकिंग कर लें जी। मिस फरवा प्लीज बताएं क्या बात है। तो सर जी ये सेकंड वाला पॉइंट जरा रिपीट कर लें दोबारा। यूटिलिटी वाला जी भाई, ये वैसे ही है जैसे आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में अजम्पशन नहीं पढ़ी थी कि कंज्यूमर बेसिकली दो गुड्स कंज्यूम करेगा और फिर उसको यूटिलिटी मिलनी है। तो देखें, एक्स कंज्यूम करने से एक्स की यूटिलिटी मिलती है, उसे यू एक्स कहते हैं, और वाई कंज्यूम करने से वाई की यूटिलिटी मिलेगी, वो यू वाई है। तो जब आप दोनों कंज्यूम करेंगे तो यू एक्स और यू वाई दोनों ऐड करके टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, जो कि एक्स और वाई दोनों को कंज्यूम करने से मिलती। लास्ट एग्जांपल में वो थी 63.111, आपको याद होगा जी जी, ठीक है ना। तो वो बेसिकली एक्स और वाई दोनों को इस्तेमाल करने से मिली थी ना। यहाँ पर भी वही सेम बात है। अब ये स्टेटमेंट जरा दोबारा पढ़े, आपको क्लियर हो जाएगी। अगर स्टिल कंफ्यूजन है, मैं अभी आपको, आप अनम्यूट ही हैं, आप दोबारा मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ जी। राहिल प्लीज बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक्स कहती है कि इकोनॉमिक रूल्स आर नॉट अप्लाइड ऑन ड्रग्स एंड मनी, राइट? इस पे अप्लाई नहीं होती ड्रग्स और पैसे पे अप्लाई नहीं होती। अच्छा, और सर क्या कहते हैं अगर ये बात है तो सर सिगरेट के पैक्स लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं और लोग डिफरेंट ट्राई करते हैं। ये बात वैसे आपको किसने बताई है ड्रग्स पे अप्लाई नहीं होती और फलां चीज पे अप्लाई नहीं होती? सर वो इकोनॉमिक्स का एक रूल था जिसपे क्या कहते हैं ये आता है कि इंसान की जरूरत पैसे की कभी कम नहीं हो सकती, और अगर ड्रग्स की है तो वो भी क्या कहते हैं कभी कम नहीं हो सकती, अगर एक दफा लग गई अल्कोहल पे भी है नहीं। वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एंटीक्स है, एंटीक्स की डिमांड है, अब ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। क्यों? द रीजन इज इन पर रूटीन लाइफ के जो लॉज बने हुए हैं ना, लॉज वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इन पर रूल अप्लाई नहीं होते। जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इन पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। द रीजन इज के ये सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म से बाहर निकल जाते हैं, उसके कैटेगरी से, उसके फॉर्मूले से बाहर निकल जाते हैं। एक बंदा अल्कोहल पसंद करता है तो बाय हुक और बाय क्रुक वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस वो डेफिनेटली इसको बाय करेगा। समबडी हुज अ ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होगा, वो ब्रांड कॉन्शियस है। समबडी हुज अ क्वालिटी कॉन्शियस पर्सन वो क्वालिटी फोकस करेगा, प्राइस फोकस नहीं करेगा। सो जितने एक्सेप्शनल केसेस आए, इन पर रूटीन लाइफ के जो लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज वाई ड्रग्स के केस में या मनी के केस में जब इनकी लस्ट आपको लग जाती है तो फिर डेफिनेटली इन पर रूटीन सप्लाई डिमांड मैकेनिज्म्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को जो एक्सेप्शनल केसेस हैं हम उनको रूटीन लाइफ में डिस्कस नहीं करते, बट इट डज नॉट मीन कि हम उनको इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केसेस के तौर पर डिस्कस होती हैं, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस हैं, ये जरूर एग्जिस्ट करती हैं और इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जहां जरूरत पड़े इनकी, हर जगह पर नहीं इनको पढ़ते। तो जनरली जो रूटीन के इंफॉर्मेशन होती है जो कॉमन कंज्यूमर के लिए या कंज्यूमर सप्लायर के लिए होती है उनको डिस्कस ज्यादा किया जाता है ताकि उनके इश्यूज ज्यादा एड्रेस हो। अब एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई क्यूरी आएगी तो वो एक्सेप्शनल में ही डिस्कस होती है, ठीक है जी। और कोई बात है तो प्लीज बताएं जी। मिस वर्मा आपका पॉइंट टू क्लियर हो गया? जी सर जी हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्यूरी है तो प्लीज बता दें, अदरवाइज हम गोना मूव अहेड। नहीं है जी कोई क्यूरी? ओके जी, अभी मैं बात कर रहा था रैंकिंग ऑफ द यूटिलिटी से रिलेटेड, तो रैंकिंग ऑफ द यूटिल। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पांच जिंगर शॉप्स की बात की, फ्राई चिक्स, सबवे,
हार्डीज, मैकडोनल्ड्स और केएफसी, इन पांचों के जिंगर्स को आपने अरेंज करना था एज पर देयर टेस्ट लेवल। तो जरा प्लीज गाइड करें किसकी रैंकिंग कैसे की है। जी मुबशर। सर ये पूछना था कि सर इसकी जो रैंकिंग करेंगे सर, वो जो ड्राइव्ड यूटिलिटी से किसी करेंगे जैसे हम कार्डिनल। नहीं ये तो हम आप देखें ना, वो कैलकुलेशन वाली स्टोरी से बाहर निकल आया है ना, ये तो कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से रैंकिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ये कह रहा है कि प्रोडक्ट क्वालिटेटिव यूटिलिटी देती है। यूटिलिटी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। पहले हम क्वांटिफाई करके कंपेयर करके बता रहे थे, अब हम ये अपने जहन के अंदर ही क्वालिटी के मुताबिक यानी टेस्ट लेवल को अपने जहन में रख रहे हैं और बता रहे हैं कंपेयर करने के बाद कि नहीं यार केएफसी ट्राई किया था, वहां ज्यादा टेस्ट लेवल डेवलप हुआ था। सो क्वांटिफाई नहीं कर रहे लेकिन कंपेरिजन एज पर द टेस्ट कर रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट बेटर। ओके सर, तो अब बताए जरा क्विकली बताए क्योंकि यह रैंकिंग। यस सर, केएफसी कर दी सबसे पहले। सबसे पहले केएफसी, फिर सर वो मैकडॉनल्ड्स। पांचों किए हैं वैसे टेस्ट आपने? सर जो आपने कुछ बताया एएफसी वगैरह सर वो तो नहीं मैंने कभी किया, लेकिन सर वो शहजादे रैंकिंग आप पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। द रीजन इज यू हैव नॉट टेस्टेड द एंटायर ब्रांड्स। जिसने इंटायर ब्रांड्स टेस्ट किए हैं वो उसके मुताबिक रैंकिंग कर सकता है। अगर फर्ज करें आपने तीन ब्रांड्स टेस्ट किए हैं, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और फर्ज करें कोई एक और ब्रांड, तो इनमें से कंपेयर करके आप जरूर बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे पहले पे ज्यादा आया। तो आपने रैंकिंग अपने मुताबिक कर ली। अब किसी एक और पार्टिसिपेंट की रैंकिंग मैं देखता हूँ तो यकीन मानिए कि आपकी रैंकिंग से वो डिफरेंट होगी। तो यही बात मैं एक्चुअली कर रहा हूँ कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर रैंकिंग लेवल डिफर करता है। थैंक यू जी। मिस यूमना सर, आपने बोला है कि रैंकिंग मतलब हमें खुद करनी है, आपने पांचों का मतलब दिया है ना, फर्स्ट करने आपने पांच हमें बताए हैं और हमने उसको खुद रैंक करना है जी। तो सर हमें फिर इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह ये नहीं, क्वालिटेटिव में आपने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से इसको अरेंज करना। आपने टेस्ट नहीं है पांचों? यस सर, देखिए मैंने जैसे सबसे पहले मैं करूंगी केएफसी, फिर फ्राइड चिक्स, फिर सबवे, तो ये इसी तरह आएगा ना, मतलब हमने कोई वो तो रखा है कि इतने पर ठीक है। एग्जैक्टली, अब जरा पांचों की रैंकिंग बता दें मुझे। केएफसी यहाँ एक मिनट ठहरा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रैंकिंग में। आपने बताया जी केएफसी फर्स्ट है, फिर आप कह रही है जी फ्राइड चिक्स, फ्राइड चिक्स, फिर आप कह रही हैं सबवे, फिर मैकडॉनल्ड्स और लास्ट वाला मुझे नहीं पता आपने कौन सा बोला है, वरना मैकडॉनल्ड्स कमेंट में रखूं। अच्छा हार्डीज, हार्डीज मैकडॉनल्ड्स से पहले फिर। अच्छा जी, स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज दरगुजर कर दीजिएगा। अच्छा हार्डीज यानी बाकियों के कंपैरेटिवली फोर्थ नंबर पे आपके नजदीक। अच्छा जी, कोई और पार्टिसिपेंट हो जो रैंकिंग में कोई शेयर करना चाहे जी प्लीज बताएं। अली हसन की आ गई जी। अली, अली यार पता नहीं आपके साथ क्या मामला। हाँ अब हो गए अनम्यूट जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज जरा क्विकली बताएं। जी जो आपने आज प्रोटीन है वो अपलोड कर लेंगे आज? क्या जो आज का रिकॉर्डिंग है, जो आज का लेक्चर है वो आप अपलोड करेंगे एलएमएस में? सर मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आप आंसर करेंगे? जी कोई और पार्टिसिपेंट है तो प्लीज बताएं। जी बुरहान, जी बुरहान साहब। सर ये रैंकिंग में सबसे पहले तो हार्डीज आएगा, उसके बाद सबसे आएगा फिर केएफसी और फिर मैकडॉनल्ड्स। अच्छा
यानी आपकी रैंकिंग है जनाबे वाला आरडी सबसे पहले सर, आरडी सबसे पहले आपके पास, और उसके बाद है आपके पास सबवे, सबवे केएफसी। ओके, यानी हार्डीज आपका फर्स्ट है, फिर सबवे है, फिर केएफसी है, फिर फ्राइड चिक्स और फिर मैकडॉनल्ड्स। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स सबसे एंड पे आपका भी। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ओके जी, फ्राइड चिक्स फोर्थ पे आपकी? यस सर, सेकंड लास्ट। आप ठीक है? यस सर। पहला ओके जी, और किसी पार्टिसिपेंट की रैंकिंग है तो प्लीज बताएं। जी उमर, ये हाइजीनिक के लिहाज से है या क्वांटिटी या क्वालिटी सर? जी इट्स अबाउट क्वालिटी और क्वांटिटी सर। सर जी, क्वांटिटी क्वालिटी टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हम जज कर रहे हैं इनको। देखें, हर कंज्यूमर का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। यूमना ने अपनी रैंकिंग शेयर की है, बुरहान ने अपनी रैंकिंग शेयर की है, आप अपनी रैंकिंग बता दें। अरे, क्वालिटी के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स फर्स्ट है। मैकडॉनल्ड्स फर्स्ट है? यस सर। फिर हार्डीज। अच्छा, फिर सबवे है सर। अच्छा जी, फिर बात सर जी केएफसी, देन फ्राइड चिक्स। तो फ्राइड चिक्स आपके नजदीक सबसे एंड पे है, ठीक हो गई बात? बिल्कुल सर। यानी आपकी और बुरहान की रैंकिंग में ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है। आप मैकडॉनल्ड्स को सबसे एंड फर्स्ट पे ले रहे हो, वो मैकडॉनल्ड्स एंड पे ले रहा है। उसके पहले चार और आपके आखिरी चार सेम है, ठीक होगी बात? जी सर। ओके जी, जी मुबशर बताएं प्लीज। सर रैंकिंग का बता दूं सर? जी क्विकली। सबसे पहले वो केएफसी। ओके, देन हार्डीज। ओके, उसके बाद फ्राइड चिक्स। ओके, देन फिर सबवे। ओके, और मैकडॉनल्ड्स किधर है? सर मैकडॉनल्ड्स सेकंड नंबर, सेकंड पे। जी सेकंड, पहले केएफसी। पहले केएफसी। अच्छा, फिर हार्डीज। अच्छा, फिर सबवे, फिर फ्राइड चिक्स। तो इस तरह तो मैकडॉनल्ड्स एंड पे चला गया। नहीं सर, मैकडॉनल्ड्स का मैंने एंड सेकंड नंबर बताया। अच्छा, एक मिनट ठहर जाएं जरा। केएफसी ये आ गया जनाबे वाला, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स रैंकिंग से सही हो गया, ठीक ही है। फिर हार्डीज, फिर सबवे और फिर फ्राई चिक्स, ऐसे ही? जी ठीक, ऐसे ही ऐसे। ओके ओके ओके, अब ये आप देख सकते हैं जी, रैंकिंग ऑफ द यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि आपने एक प्रोडक्ट को यूज किया, आपको पता चला कि इससे मुझे ये यूटिलिटी मिली और इसके अकॉर्डिंगली आपने रैंकिंग कर। अच्छा, अब ये जो रैंकिंग है इसको आपने जहन में रखना, ठीक है? इस पर मैं बात कुछ देर बाद करता हूँ, जो आपने ये अभी रैंकिंग हमसे शेयर की है ना, इस पर जरा कुछ मिनट्स के बाद मैं इस पर दोबारा आता हूँ और फिर बात करता हूँ। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट देखें जी, प्रेफरेंसेस और डिसप्रेफरेंसेस। एक बंदा एक प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है तो उसके ज्यादा यूनिट्स बाय करेगा, एक प्रोडक्ट को डिसप्रेफर करता है तो उसके कम यूनिट्स बाय करेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, एक्स और वाई के, फर्ज करें आपके पास 10,000 है या 50,000 है, तो आपने उसमें से एक्स के ज्यादा यूनिट्स, अगर एक्स को प्रेफर करते हैं तो उसके ज्यादा यूनिट्स बाय कर लेंगे, और अगर उसको बाय को डिसप्रेफर करते हैं तो उसके कम यूनिट्स बाय करेंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते कि जिसको मैंने कहा था कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर अनबाइस्ड है, कंज्यूमर न्यूट्रल है, तो कंज्यूमर कभी भी बाइस्ड बिहेवियर नहीं शो करेगा। कंज्यूमर कभी ये नहीं कर सकता कि वो अपनी इनकम से सारे के सारे एक्स बाय कर ले या सारे के सारे वाई बाय कर ले। तो कंज्यूमर अपनी उस इनकम से कुछ एक्स के यूनिट्स बाय करेगा और कुछ वाई के यूनिट्स बाय करेगा, ठीक है? तो प्रेफरेंसेस और डिसप्रेफरेंसेस का मीनिंग ये है कि जिसको प्रेफर करोगे उसके ज्यादा यूनिट्स बाय करोगे, जिसको डिसप्रेफर करोगे उसके कम यूनिट्स बाय करोगे। नेक्स्ट अजम्पशन है जी, गुड्स आर डिविजिबल।
जो जो गुड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ये अभी हमने रैंकिंग 5 प्रोडक्ट्स के वाले से की है, तो एक्चुअली जिंगर बर्गर, लेकिन 5 डिफरेंट ब्रांड्स का है। तो हमें, हम अगर जिंगर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें 5 जिंगर्स रिक्वायर्ड है तो ये 5 भी मार्केट में अवेलेबल है, 50 रिक्वायर्ड है तो 50 भी मार्केट में अवेलेबल है, 1 रिक्वायर्ड है तो 1 भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन के अंदर उन गुड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने अजम्पशन नंबर 2 में बताया कि यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्स और वाई वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके सब यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है जी, जिनके सब यूनिट्स यानी छोटे यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे मार्केट से 1 kg मीट परचेज करना है, तो मुझे मार्केट में 1 kg भी मीट अवेलेबल है, 1/2 kg भी अवेलेबल है, और 250 grams kg भी, यानी 250 grams मीट भी अवेलेबल है, यानी 1 pound गोश्त भी मैं मार्केट से परचेज कर सकता हूँ। तो ये नहीं है कि मुझे 1 kg गोश्त चाहिए तो मुझे पूरी की पूरी पूरे का पूरा जानवर परचेज करना पड़ेगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनके सब यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक होगी बात। हम ऐसी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसी तरह इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, अजम्पशन नंबर 6 है जी, ये एग्जैक्टली उसी तरह जैसे कार्डिनल में हमने ज्यूम किया था कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो डेली बेसिस पर चेंज नहीं होती बल्कि एनुअली चेंज होती है। तो थ्रू आउट द ईयर इनकम विल रिमेन फिक्स्ड, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। अच्छा जी, अजम्पशन नंबर 7 है जी, एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब फर्ज करें जो सबसे टॉप पे, अब ये यहां हमने रैंकिंग की है, ये सबसे पहली रैंकिंग की है मिस यूमना ने, इन्होंने ये कहा कि KFC सेटिस्फेक्शन में इनको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए रैंकिंग में इन्होंने इसको सबसे पहले लिख दिया है। फ्राई चिक्स रैंकिंग में दूसरे पे है, सबवे रैंकिंग में तीसरे पे है, तो हार्डीज रैंकिंग में चौथे पे है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूं, अब जरा देखें, मैंने थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिख दिया, कॉमा की जगह मैंने ग्रेटर का साइन ऐड कर दिया। अब इसके मुताबिक मैं अब आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूं कि इन साइन से क्या अंडरस्टैंडिंग है। KFC पर मिलने वाली यूटिलिटी इज रिलेटिवली हायर देन दैट ऑफ द यूटिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय फ्राई चिक्स, ये इसका मतलब है। इसी तरह फ्राई चिक्स पर जो टेस्ट लेवल है वो रिलेटिवली बेटर है सबवे पर मिलने वाले टेस्ट से। इसी तरह सबवे पर जो टेस्ट लेवल है जिंगर का वो रिलेटिवली हार्डीज के टेस्ट से बेटर है, जबकि हार्डीज पर जो टेस्ट है जिंगर बर्गर का वो रिलेटिवली मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के टेस्ट से बेटर है, ठीक हो गई बात। ये बात हुई हमारी किन के मुताबिक, मिस यूमना के मुताबिक जो उन्होंने रैंकिंग की। इसी तरह बाकी जो रैंकिंग्स की हैं फर्ज मोल बुरहान ने, उस्मान ने और मुबशर ने, इनकी रैंकिंग्स पर भी इसी तरह से ही इंटरप्रिटेशन है। तो मतलब ये हुआ, अगर हम सिर्फ यूमना की रैंकिंग को देखें, तो जब यूमना ये कहती है कि KFC पर मिलने वाली यूटिलिटी फ्राई चिक से बेहतर है, लिहाजा रैंकिंग में सबसे ऊपर मेरे पास KFC है, तो फ्यूचर में कभी भी यानी इसका मतलब ये भी है कि KFC अंडरस्टूड है कि ये मैकडॉनल्ड से सुपीरियर है, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। तो एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, इफ ए सुपीरियर देन बी एंड बी इज सुपीरियर देन सी, तो अंडरस्टूड है कि ए सी से भी सुपीरियर है। यानी अगर KFC पर टेस्ट लेवल फ्राई चिक्स से बेहतर है और फ्राई चिक्स सबवे से बेहतर है, तो अंडरस्टूड है कि KFC सबवे से बेहतर है। इसी तरह जब सबवे हार्डीज से बेहतर है और हार्डीज मैकडॉनल्ड से बेहतर है, तो अंडरस्टूड है कि सबवे मैकडॉनल्ड से भी बेहतर है। जब सबवे मैकडॉनल्ड से बेहतर है और KFC सबवे से बेहतर है, तो अंडरस्टूड है KFC मैकडॉनल्ड से भी बेहतर है। तो बात समझ आ रही, तो ये है एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी। अच्छा, अब अजम्पशन नंबर 7 8 में आ जाए।
अजम्पशन नंबर 8 क्या है जी? एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी। एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि यूमना ने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ये फैसला किया कि केएफसी का टेस्ट लेवल रिलेटिवली बेटर है सबसे, ठीक है? तो वो फ्यूचर में कभी ये नहीं कहेगी कि केएफसी का जो टेस्ट है वो मैकडॉनल्ड से बेहतर नहीं है, ठीक है? तो चूंकि यूमना रैशनल है, चूंकि यूमना वाइज है, चूंकि यूमना रैशनैलिटी अजम्पशन को फॉलो करने वाली कंज्यूमर है, इसीलिए उसने पांचों को अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद फिर उनका कॉस्ट एंड बेनिफिट निकालने के बाद रैंकिंग जब एक दफा कर दी तो यूमना अपनी उस रैंकिंग में कंसिस्टेंट है। कंज्यूमर यानी यूमना फ्यूचर में अपनी इस रैंकिंग को कभी रिविजिट नहीं करेगी। द रीजन इज कि उसने पहले जो डिसीजन किया था वो रैशनैलिटी अजम्पशन पर बेस्ड उसका डिसीजन था, वो इरैशनली उसने डिसाइड नहीं किया। तो अपनी इस रैंकिंग के साथ यूमना हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। इसी तरह बुरहान ने भी जो रैंकिंग की है वो अपनी उस रैंकिंग के साथ फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक ये गिवन सर्कमस्टांसेस कांस्टेंट रहेंगे। हाँ, फ्यूचर में यही जिंगर्स के अंदर को सर्टन मॉडिफिकेशंस हो जाए, इनके अंदर कोई एडिशन चीजें ऑफर कर दी जाए, यानी इनकी इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस हो, तो जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो डेफिनेटली फिर रैंकिंग रिविजिट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए, ठीक है? लेकिन जब तक एडिशनल फीचर्स नहीं रहेंगे, इसी तरह के गिवन सर्कमस्टांसेस में जब आपने जिसको टेस्ट किया था उसके मुताबिक आपने रैंकिंग बना ली। अगर फ्यूचर में इंग्रेडिएंट्स चेंज होंगे, इनकम चेंज होगी, सिनारियो चेंज होगा, तो फिर आपकी रैंकिंग भी शफल हो जाएगी, ठीक होगी बात? तो ये है असल अजम्पशंस जो हमने इस इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड और ऑर्डिनल व्यू अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो हमने अंडरस्टैंड की है। अब इससे आगे मैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन की तरफ चल रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं इंडिफरेंस कर्व का जो स्केड्यूल है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि फिर डेफिनेशन की तरफ आता हूं। अच्छा, इसमें ये चंद एक चीजें मैं आपसे शेयर कर लूं ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। अभी हम स्टार्ट में पढ़ के आए कि कंज्यूमर ने दो गुड्स कंज्यूम करनी है, एक्स और वाई, ठीक होगी बात? कंज्यूमर एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा। ये है प्रोडक्ट एक्स जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये है प्रोडक्ट वाई, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, पीछे पढ़ के आए कंज्यूमर की इनकम क्या है जी? कॉन्स्टेंट फिक्स्ड, अजम्पशन नंबर आई गेस 6 में। तो इनकम फिक्स्ड होने का मतलब क्या है? अगर फर्ज करें कंज्यूमर की इनकम 10,000 है तो इट विल रिमेन 10,000 एंड इट विल नॉट चेंज एट ऑल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनकम 10,000 है, यानी इनकम आई ए है, तो आई ए इनकम में जो यूटिलिटी फंक्शन आपको मिलेगा वो यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा जी? यू ए। आई ए इनकम में आपको जो यूटिलिटी फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा जी? यू ए। जब तक इनकम सेम रहेगी तब तक यूटिलिटी फंक्शन क्या रहेगा? यू ए। जब इनकम आई ए से चेंज होके आई बी आई सी आई डी में जाएगी तो यूटिलिटी फंक्शन अकॉर्डिंगली यू बी यू सी और यू डी में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जब तक इनकम सेम है तब तक यूटिलिटी फंक्शन सेम है, जब इनकम चेंज होगी तो यूटिलिटी फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये लिखा हुआ जी कॉलम नंबर 4 में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस पर बेस्ड करती है जी? यूटिलिटी फंक्शन पर। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस पर बेस्ड करती है? यूटिलिटी फंक्शन पर। ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अच्छा, जब तक यूटिलिटी फंक्शन सेम रहेगा तब तक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, जब यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी फंक्शन बेस्ड करता है इनकम पर, इनकम सेम है तो यूटिलिटी फंक्शन सेम है, यूटिलिटी फंक्शन सेम है तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। अच्छा, अब यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज होगी,
और हमें पता है यूटिलिटी फंक्शन उस वक्त चेंज होता है जब इनकम चेंज होती है। सो आसान लैंग्वेज में अगर मैं इस तरह इस बात को कहूं कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा, अगर यूटिलिटी फंक्शन चेंज हुआ तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहां पर नोट के तौर पे ये मेंशन कर दिया, स्क्रीन पर आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया और इसको मैंने ब्लू शेड दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस पर बेस्ड कर रही है जी, यूटिलिटी फंक्शन पर, और यूटिलिटी फंक्शन किस पर बेस्ड कर रहा है जी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर। सो जब तक इनकम सेम रहेगी तब तक यूटिलिटी फंक्शन सेम रहेगा, जब तक यूटिलिटी फंक्शन सेम रहेगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी सेम रहेगी। और इसका दूसरा मतलब यह है जब इनकम चेंज हुई तो यूटिलिटी फंक्शन चेंज होगा, यूटिलिटी फंक्शन चेंज हुआ तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आ जाएं जी यहां पर इस कैजुअल की तरफ। ये पहले इस कैजुअल को स्टार्ट करने से पहले ये बात क्लियर करना आपको जरूरी थी कि आपके जहन में बैठ जाए कि असल में होना क्या है इस कैजुअल के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात अगर आपके जहन में आ गई तो अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। ले जी इसको मैं सबको अनहाईलाइट कर दिया और प्रोडक्ट एक्स अभी इस पर बात करते हैं और प्रोडक्ट वाई इस पर बात करते हैं और अपनी इनकम लेवल की बात करते हैं। अच्छा जी, इनकम है मेरे पास 10,000, मेरे पास 10,000 से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उससे एक यूनिट एक्स का परचेज कर लूं और 16 यूनिट्स वाई के परचेज कर लूं। 1,16 ये बेसिकली क्या मिलके बनाएगा, एक पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं जी, पॉसिबिलिटी ए या कॉम्बिनेशन ए, क्या बोलेंगे इसको। मेरे पास 10,000 से ऑप्शन है कि एक यूनिट मैं एक्स का परचेज कर लूं और 16 यूनिट्स ऑफ वाई परचेज कर लूं, तो ये दोनों मिला के 1,16 बेसिकली एक कॉम्बिनेशन बन गया जो 10,000 से मैं परचेज करने की एबिलिटी रखता हूं। और अगर मैं इसको यूटिलिटी फंक्शन में लिखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यू ए इक्वल्स एफ 1,16। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब बी क्या है जी, यानी अगर फर्ज करें एक के बजाय मैं चाहता हूं कि मैं एक्स का एक एडिशनल यूनिट ऐड कर लूं, यानी एक्स से एक से बढ़ के अगला यूनिट ऐड कर दूं, तो पहले कॉम्बिनेशन ए में मैं एक एक्स के साथ 16 यूनिट्स वाई के परचेज कर रहा था, अब मैं अगले कॉम्बिनेशन में दो एक्स अगला एक्स ऐड करना चाह रहा था, तो फिर मेरे पास वाई के अगर मैं 16 यूनिट ही बाय करना चाहता हूं तो एक्स का एक यूनिट ऐड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे रिक्वायर्ड थे, तो वो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास कहां से आते, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है, इनकम फिक्स्ड है, तो इनकम तो 10,000 ही है, इनकम तो चेंज नहीं हो सकती। तो फिर क्या होना था, फिर होना ये था कि मुझे वाई के यूनिट्स कम करने पड़ने थे, यानी वाई पर एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ने थे, तो एक्सपेंडिचर्स कम करके वाई पर, तो फिर मेरे पास क्या आ जाने थे, पैसे कुछ सेव होने थे जो कि मैंने एक्स का एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने पर एलोकेट कर देने थे। यानी हुआ क्या कि मैंने वाई पर एक्सपेंडिचर्स कम किए, वाई से जो पैसे बचे उसको मैंने एक्स पर एलोकेट करके एक्स का एडिशनल यूनिट परचेज कर दिया, तो अब मेरे पास एक्स का एक्स्ट्रा यूनिट जो आया, अब मेरे पास कॉम्बिनेशन बन गया 2x 12y। इसी तरह तीसरा पॉसिबिलिटी है कि मैं 10,000 से 3x और 9 यूनिट वाई के परचेज कर लूं, चौथी पॉसिबिलिटी है कि 4x 7y परचेज कर लूं, और पांचवी पॉसिबिलिटी है कि 5x और 6y के यूनिट्स परचेज कर लूं। आप देख सकते हैं कि हर एक्स्ट्रा x का यूनिट ऐड करने के लिए हम बार बार y के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले जो y के यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं वो 16 से 12 यानी 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, फिर 2 से जब 3x पे गए यानी x का एक यूनिट मजीद ऐड किया तो y के यूनिट्स 12 से कम होके हो गए 9, यानी कितने यूनिट्स का फर्क आ गया, 3y का। पहले हमने 4y सेक्रीफाइस करके 1x गेन किया, अब हमने 1x गेन करने के लिए 3y सेक्रीफाइस किए, फिर जब हम 3x से चौथे x पर गए
तो 9y से 7y पर आ गए, यानी 2y सैक्रिफाइस किए। फिर चौथे x से पांचवें x पर जब गए तो हमने y के 7 यूनिट्स में से हम किस पर चले गए, 6 यूनिट्स पर, यानी एक यूनिट y का सैक्रिफाइस किया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने y के डिफरेंट यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इन ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ x ईच टाइम। तो अब देखें मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी ए बी सी डी एंड ई। पहली पॉसिबिलिटी में 1,16 y के कॉम्बिनेशन है, दूसरी में 2x 12y का कॉम्बिनेशन है, तीसरी में 3x 9y का कॉम्बिनेशन है, फोर्थ में 4x 7y का, और पांचवी में 5x and 6y का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसी में हम एक और बिहेवियर देख रहे हैं कि हर एक्स्ट्रा एक्स का यूनिट गेन करने के लिए पहले वाई के ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस किए जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सैक्रिफाइस करने का जो रेट है ये कम होता जा रहा है, ठीक है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। और अब इसके अलावा एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया स्लोप ऑफ आईसी का, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है जी, एक ऐसा रेट जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि हमने क्या किया, 16 में से 12 वाई पर चले गए, यानी 4 यूनिट्स वाई के सैक्रिफाइस करके एक एक्स से दूसरे एक्स का यूनिट ऐड कर दिया, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स का ऐड करने के लिए 4 वाई सैक्रिफाइस, यानी वाई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में। और किस रेट पे किया, 4, यानी 4:1, यानी 4y के छोड़ के एक यूनिट x का गेन कर दिया। तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, एक ऐसा रेट जिस पर एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और वर्ड मार्जिनल का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। सब्सटीट्यूशन का मतलब है एक्सचेंज, मुबादला, यानी एक को दूसरे में तब्दील करना। तो मार्जिनल का मतलब चेंज। तो पहले देखें, 4 यूनिट्स y के बदले एक यूनिट x का ऐड किया, ठीक है। बाद में 3 यूनिट्स y के देकर और एक यूनिट x का गेन किया, फिर 2 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करके एक यूनिट x का गेन किया, फिर एक यूनिट y का सैक्रिफाइस करके एक यूनिट x का गेन किया। तो अब ये रेट जो है, पहले 4:1 था, फिर 3:1 हुआ, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ, ठीक है। यहां मैं ये ऐड कर देता हूं, ये ले जी, ये कॉलम मैं यहां पे जनरेट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, ये क्या है जी, 4y:1x, 3y:1x, फिर 2y:1x, फिर 1y:1x, ठीक है जी। ये रेशियोज हैं हमारे पास, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली पहले हम 4 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करके एक यूनिट x का लिया, फिर हमने 3 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करके एक यूनिट x का गेन किया, फिर 2y और 1x, फिर 1y और 1x। सो अब आप देख सकते हैं ये रेट जो है 4:1, 3:1, 2:1 and 1:1, ये रेट सेम नहीं है, यानी ईच टाइम 4 नहीं रहा, पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर ये 1 हुआ। तो चूंकि ये रेट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे मार्जिनल। मार्जिनल क्यों है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था जी, पहले कॉम्बिनेशन में 4:1 था, दूसरे में 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। रेट ऑफ एक्सचेंज हर कॉम्बिनेशन पे डिफरेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज
का मतलब है एक ऐसा रेट जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरे में एक्सचेंज किया, तो पहले रेट ये था 4:1, ठीक है, बाद में भी रेट था, रेट ऑफ एक्सचेंज चारों में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये रेट सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये बाकी जो जितनी डिस्कशन है ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अभी इस कैजुअल के अंदर जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, मैं सिर्फ उनका क्विकली रीकैप देता हूं। मैंने इसमें बताया कि इनकम कंज्यूमर की फिक्स्ड है, जिसे IA कहा। IA जब तक सेम होगा, यूटिलिटी फंक्शन IA से UA यूटिलिटी फंक्शन गेन करेंगे, और यूटिलिटी फंक्शन जब तक इनकम चेंज नहीं होगी, यूटिलिटी फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर मैंने ये कहा कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बेसिकली किससे मिलती है, यूटिलिटी फंक्शन से। अगर यूटिलिटी फंक्शन सेम है तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, इनकम सेम, यूटिलिटी फंक्शन सेम रहेगा, यूटिलिटी फंक्शन सेम रहा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी सेम रहेगी। उसके बाद मैंने कहा इनकम 10,000 है, हम इस 10,000 से, हमारे पास एक ऑप्शन है, एक एक्स का यूनिट परचेज कर ले या 16 वाई, एक एक्स के साथ 16 वाई यूनिट्स परचेज कर ले। दूसरी ऑप्शन है कि 2x के यूनिट्स के साथ 12y के यूनिट्स परचेज कर लें। तीसरी ऑप्शन है 3x के साथ 9 यूनिट्स y के परचेज कर लें। चौथी में 4x के साथ 7 यूनिट्स y के परचेज कर लें। पांचवी ऑप्शन में 5 यूनिट्स x के साथ 6 यूनिट्स y के परचेज कर लें। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात की। मैंने कहा जी रेट ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि एक ऐसा रेट जिसमें हम एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रेट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है जी, ऐसा रेट जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो रेट, अगर एक प्रोडक्ट को दूसरी में जब कन्वर्ट किया जा रहा हो, उस रेट को रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और अगर ये रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज होता हो तो इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ एक्सचेंज कह लें या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह लें, एक ही बात है। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर मुसलसल चेंज होगा तो इसको बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, चूंकि ये रेट कम हो रहा है, इसका मतलब है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कम होगी, पहले ज्यादा होगी बाद में कम होगी। यानी अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप बन जाएगी। क्या बनेगी? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप बनेगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। यहां मैं अपना लेक्चर क्लोज कर रहा हूं, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अगर किसी पार्टिसिपेंट की किसी तरह की कोई क्यूरी है तो प्लीज गाइड करें, तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज आई एम गोना लीव माई सेशन। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। जी शुएब साहब, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताए। सर जी, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो जब स्क्रीनशॉट लिए गए थे मेरा नाम नहीं था। ओके, सर वो खुद जी। मिस फरवा प्लीज बताएं। सर जी, ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज से है ना, ये जरा दोबारा रिपीट कर दें। रेट ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक ऐसा रेट जिसमें एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप जिंगर बर्गर बनाती हैं और मैं फ्राइज बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मुझसे फ्राइज लेके मुझे जिंगर बर्गर दे दे। आप कहती हैं जी कितने केजी फ्राइज देके एक जिंगर लेंगे मुझसे। तो ये यानी जिस पे हमारा रेट सेटल डाउन हो जाएगा ना, कि इतने केजी फ्राइज में इतने जिंगर के बर्गर मिलेंगे, तो उस रेट को रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये रेट बार बार वेरी करे, पहली डील में रेट था जी हाफ के जी फ्राइज के बस 1 बर्गर, अगले रेट में यानी नेक्स्ट टाइम डील हमारी होगी तो आप कहेंगे जी 1 kg फ्राइज के साथ मुझे एक जिंगर बर्गर दूंगी। बात समझ रही? तो ये है रेट ऑफ एक्सचेंज, और अगर ये रेट वेरी करेगा हर डील में तो फिर हम कहेंगे ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और अगर ये सेम रहेगा तो फिर ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। ओके ओके, ग्रेट। और कोई क्यूरी है तो प्लीज बताएं। नहीं सर जी, वो अटेंडेंस का जो है ना वो लगा दें, आई थिंक सो मेरा इंटरनेट एक बार कनेक्ट हुआ था तो नो प्रॉब्लम। ठीक जी उमर, उमर साहब प्लीज जरा क्विकली।
सर ये जो ग्रुप बनाया आपने इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? पांच, देखें ना छह होंगे ना चार होंगे, पांच मेंबर्स पर ग्रुप होगा, होगा तो ठीक है, ना हुआ तो इंशाल्लाह पीर को मैं खुद ईमेल करूंगा आपको, तो उसमें यानी तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स मैं खुद बना के आपको दे दूंगा अगर आपके ना बने हुए तो। कल तक, थैंक यू सर, कल तक लिस्ट आ गई ठीक है, नहीं तो मैं पीर तक खुद लिस्ट बना के आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। मुबशर साहब फरमाए। सर ये मैंने पूछा था कि सर मनी इनकम है तो सर साथ साथ ये स्पेंड नहीं होती जाएगी अगर हम, क्यों लेस नहीं हो पा रही, क्यों सेम है ये? नहीं अभी स्पेंड करना शुरू नहीं ना की हमने, ये अच्छा, कहा कि हमारे पास 10,000 है और 10,000 रुपयों में हमारे पास ऑप्शन है या तो एक एक्स का यूनिट बाय कर ले या 16 यूनिट्स बाय के बाय कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी 16 यूनिट्स, हाँ दूसरी 1 से लेके 16 तक कोई इससे भी कर सकते हैं। यार देखो आपके पास जो पैसे है ना उन पैसों में मैक्सिमम आप 16 यूनिट्स वाई के परचेज कर सकते हो और एक यूनिट एक्स का, ये एक ऑप्शन है ठीक है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास है, अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते तो फिर दूसरी ऑप्शन ये भी है कि चाहो तो 2x परचेज कर लो और 12 वाई परचेज कर लो। इसी तरह तीसरी ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन है और पांचवी ऑप्शन है। ये पांच डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं आपके साथ, अभी आपने इनमें से परचेज कौन सा करना है, डेफिनेटली वो वाला कॉम्बिनेशन परचेज करना है जिसपे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा से ज्यादा हो ठीक है। ये पांच डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है जो विद इन इनकम 10,000 आप परचेज कर सकते हैं। सर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे सर 3 है तो हमने सर गुड ऑफ एक्स 16 ले लिया सबसे पहले, ये सर इसी तरह चलेगा 1 अगर 1 हम ये डिपेंड करता है, ये तो एक कंज्यूमर के पास ऑप्शन है ना, जैसे ऊपर रैंकिंग हमने की थी ये रैंकिंग डिफरेंट भी हो सकती है सर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये वेरी करेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट जी, अरकम प्लीज। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करना, यानी एक्सचेंज नहीं करते हम कहते हैं यार मुझे एक घंटा पढ़ा दो और मेरे से 2,000 रुपया ले लो, बात समझ रहे, ये है रेट ऑफ एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन। अरकम किधर गए हो यार? जी उसामा, क्या आप ये फाइल भेज सकते हैं ईमेल पे? कौन सी फाइल? ये कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, हर फाइल ईमेल होगी सर। थैंक यू सर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोना एंड माय मीटिंग, इट्स 4:54। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ टाइम सर, स्टे ब्लेस्ड।